हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं Redmi 10 Prime और Vivo Y21 को कंपेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इनकी बैटरी की। तो बैटरी यहां पर Redmi 10 Prime की Vivo Y21 से बेटर है। तो यहां पर ग्रीन टिक मिलेगा, वो मिलेगा Redmi 10 Prime को। तो चलिए बात करते हैं हम इनके कलर्स की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं। आपको कौन से कलर का स्मार्टफोन अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके वेट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेट हमें Vivo Y21 का Redmi 10 Prime से बेटर मिलता है। तो यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा, वो मिलेगा Vivo Y21 को। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं इनके फिंगरप्रिंट की। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। इससे आप अपने स्मार्टफोन्स में लॉक लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं अब उनके रिफ्रेश रेट की। तो फ्रेंड्स, दोनों में ही सेम रिफ्रेश रेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक दोनों को ही मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम इनके आगे हाइट की। तो हाइट यहाँ पर Vivo Y21 की बेटर है। तो यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा, वो मिलेगा Vivo Y21 को। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उनकी थिकनेस की। तो थिकनेस भी यहाँ पर Vivo Y21 की Redmi 10 Prime से बेटर है। तो यहाँ पर भी हम ग्रीन टिक देंगे, वो देंगे Vivo Y21 को। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं हम इनकी डिस्प्ले टाइप की। तो यहाँ पर Redmi 10 Prime में AMOLED डिस्प्ले अवेलेबल है, इसलिए हम उसे ग्रीन टिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इनकी विथ की। तो विथ यहाँ पर हमारी Vivo Y21 में बेटर है Redmi 10 Prime से। तो हम Vivo को ग्रीन टिक देते हैं और चलते हैं आगे। तो बात करते हैं अब हम इनकी फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा की। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम सेल्फी कैमरा अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं बैक कैमरा की। तो बैक कैमरा Redmi 10 Prime का Vivo Y21 से काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पर हम ग्रीन टिक देते हैं Redmi 10 Prime को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और बात करते हैं अब हम इनकी चार्जिंग स्पीड की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर Redmi 10 Prime की चार्जिंग स्पीड Vivo Y21 से बेटर है। तो यहाँ पर हम ग्रीन टिक देते हैं, वो देते हैं Redmi 10 Prime को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और आगे। तो बात करते हैं अब उनकी प्रोटेक्शन की। तो अब देखते हैं स्मार्टफोन्स की प्रोटेक्शन। Gorilla Glass दोनों में ही अवेलेबल है, जिससे कि आप का स्मार्टफोन्स जल्दी नहीं टूट सकता। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उनकी बिल्ड मटेरियल की। तो यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम से दोनों ही स्मार्टफोन्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि स्क्रीन साइज़ की। तो दोनों में ही 6.5 इंच की डिस्प्ले अवेलेबल है, तो दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। तो बात करते हैं अब हम इनकी नेटवर्क सपोर्ट की। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक दोनों ही स्मार्टफोन्स को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और आगे। अब बात करते हैं इनकी प्रोसेसर की। प्रोसेसर फ्रेंड्स, यहाँ पर Redmi 10 Prime का काफ़ी बेटर है Vivo Y21 से। तो यहाँ पर भी ग्रीन टिक मिलेगा, वो मिलेगा Redmi 10 Prime को। तो फ्रेंड्स, अब बात करें हम कि सिम टाइप की। दोनों में ही ड्यूल सिम का स्लॉट अवेलेबल है। तो आप दोनों ही स्मार्टफोन्स में दो दो सिम डाल के चला सकते हैं। तो वैसे तो ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है, आप चाहें तो चला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वेरियंट्स की। तो वेरियंट्स आप कौन सा लेना चाहे वो ले सकते हैं। दोनों में ही अच्छे अच्छे वेरियंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी हम दोनों को ही ग्रीन टिक देते हैं। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं उनकी प्राइस रेंज की। तो यहाँ पर प्राइस रेंज में बेटर हैं वो है
दोनों ही, तो यहाँ पर हम दोनों को ही ग्रीन टेक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फाइनली विनर की। तो फाइनली विनर है हमारे Redmi 10 Prime। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।